Hi friends, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एल्कीन्स। तो यहाँ पे हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कमिंग लेक्चर्स में। एल्कीन्स के साथ हमने अच्छे से डील कर लिया है, नाउ इट्स द टाइम फॉर एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या है? दीज आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। मतलब एक भी अगर डबल बॉन्ड हुआ हमारे हाइड्रोकार्बन्स में तो उसको हम कहेंगे एल्कीन्स। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है। अगर वहां पे एक भी आपके हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड दी एल्कीन्स। अगर आपका जो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन दी टू कार्बन एटम्स इन द एल्कीन, दे मस्ट पोजेस टू हाइड्रोजन एटम्स लेस देन दैट ऑफ एल्कीन्स। जैसे CH4 में क्या है, यहाँ पे आपके चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब आपके अगर इथेन में जाते हैं तो इथेन में क्या होता है, यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन है। अब आपने क्या किया कि आपने इसको एल्कीन में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या किया कि एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो इन हाइड्रोजन्स को रिमूव करना पड़ेगा और इन कार्बन्स के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे अब कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, यहाँ कम्प्लीट है। जो पहले हाइड्रोजन कम्प्लीट कर रहा था कार्बन की वैलेंसी को, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड कर रहा है। ये 1, 2, 3, 4 सेम इज है, 1, 2, 3, 4। तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 है जो कि यहाँ पे पूरी होती है। तो इस तरीके से जब भी कोई डबल बॉन्ड आएगा बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो उन कार्बन एटम्स के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होंगे, तो इट विल बी टू हाइड्रोजन एटम लेस देन दैट इज प्रेजेंट इन द एल्कीन्स। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या है एल्कीन्स का, CnH2n, जैसे C2H4। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, इथीन। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। तो ये हमारा जो एल्कीन्स है, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग। सो फर्स्ट मेंबर इसका क्या होगा यहाँ पे, उसको हम इथाइलीन भी कह सकते हैं या इथीन भी। तो मतलब आप अपने एल्कीन को इथाइलीन भी बोल सकते हो या इथीन। एंड इट वॉज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। तो जब आप इसकी रिएक्शन करते हो विद दी क्लोरीन, तो ये क्या करता है, ऑयली प्रोडक्ट बनाता है, ऑयली लिक्विड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आपके जो एल्कीन्स होते हैं, दीज आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एंड अगर हमारा डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो हमारे बट ऑब्वियस है कि दो हाइड्रोजन एटम कम होंगे, देन दैट इज प्रेजेंट इन द एल्कीन्स। एंड यहाँ पे जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। फर्स्ट मेंबर इज इथीन और यू कैन कॉल इट एज इथाइलीन। एंड जब इस इथाइलीन या इथीन की रिएक्शन हम कराते हैं विद द क्लोरीन, तो यहाँ पे हमारा ऑयली प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस वॉज जस्ट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जस्ट कि एल्कीन्स का मतलब क्या है हमने उसको डिस्कस किया है। थैंक यू।